हाल ही में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है और आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बताने वाला हूं कि आप एक बिगिनर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर तक जाओगे तब कैसे कैसे आपके लाइफ में पड़ाव आएंगे और दोस्तों आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उनसे कैसे आप बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बिगिनर ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनने के बीच की जो जर्नी होती है वो जर्नी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं कैसे आते हैं, किसी फ्रेंड या फिर किसी फैमिली मेम्बर को देखकर, या फिर दोस्तों आप कोई भी सोशल मीडियाज़ के ऊपर किसी का प्रॉफिट देखकर, किसी को देखकर ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। किसी का हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट से हो, बट दोस्तों ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि वो किसी को कहीं ना कहीं देखकर, कुछ ना कुछ देखकर ही वो स्टॉक मार्केट में आता है। अब दोस्तों इस टाइम पे क्या करता है एक बिगिनर ट्रेडर, वो मार्केट को देखता है, कैंडल्स को रेड एंड ग्रीन के अंदर देखता है, बट उसको समझ में कुछ नहीं आता है कि यार ये क्या क्या रेड और कैंडल क्या ग्रीन कैंडल बन रही है और इस पे है क्या इसमें जो ये समझ रहा है। एक्चुअली जो वो कैंडल्स होती हैं वो क्या होती हैं वो भी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में भी आएगा कि कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं। तो क्या होता है, वो स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है, अपने पैसे डालता है, डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करता है और कुछ ट्रेड करने लगता है जिसमें छोटा मोटा प्रॉफिट होने लगता है। जब वो छोटी कैपिटल से ट्रेड करता है तो बिगिनिंग टाइम में क्या उसको छोटा मोटा प्रॉफिट भी होने लग जाता है। अब वो छोटा मोटा प्रॉफिट उसको क्या है लालच देता है, ग्रीड देता है और वो क्या कहता है कि हमको अब बड़ा प्रॉफिट चाहिए। मैंने भी किया है, नो डाउट आप भी करोगे, और अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या वो ग्रीड देता है और ग्रीड में क्या होता है कि वो और कैपिटल डाल के क्वांटिटी को बड़ा करते हैं, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है ना कि बता देंगे आप इतनी क्वांटिटी ले सकते हैं, इतनी क्वांटिटी कर ले सकते हैं, और ऑप्शन के अंदर आपको मार्जिन मिलता है। तो मार्जिन में क्या आपको प्रीमियम पे करना होता है और प्रीमियम पे करने के साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आप उठा सकते हैं। 1 लाख में आप 1000 क्वांटिटी उठा सकते हैं निफ्टी की, और फिर निफ्टी की तो ठीक है, बैंक निफ्टी की भले ही कम उठा सकते हैं बट निफ्टी बैंक निफ्टी की तो आप निफ्टी फिर निफ्टी की तो आप उठा सकते हो, ठीक है, 1000 क्वांटिटी। ऐसे में क्या करेंगे, वो कंटिन्यू ट्रेड करेगा, कुछ प्रॉफिट होगा कुछ लॉस होगा, कुछ प्रॉफिट होगा कुछ लॉस होगा, ठीक है। उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये चीज़ है अच्छी है, मैं काम करूँगा इसमें कंटिन्यू और यहाँ पर मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा और मैं अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बनाऊँगा, और बड़े बड़े ड्रीम्स वगैरह उसके माइंड में आने लग जाते हैं। ये जेन्युइन चीज़ें हैं और जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या उसके माइंड में बड़े बड़े ड्रीम आने लग जाते हैं, थार आने लग जाती हैं, फ्लाइट्स आने लग जाती हैं, घर नहीं होता तो घर के लिए सोचने लग जाता है बंदा कि मैं घर बना लूँगा बहुत ही जल्दी और ऐसे तो मैं बहुत ही जल्दी पैसे वाला हो जाऊँगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो जैसे जैसे ट्रेड करता है पैसे उसके पास जो सेविंग थी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी उसने काम किया होगा पास्ट में, उससे जो भी सेविंग होगी या अपने फादर से लिया होंगे कहीं ना कहीं से तो वो लिए होंगे, ठीक है। तो अपने घर के पैसे वो उसमें डालता रहता है और वो पैसे जाते रहते हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग टाइम में ये काम होता है पहला। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं से आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया है, या फिर आपको लोन मिल गया है, या फिर आपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर किसी का भी बाहर से सपोर्ट आपको मिल गया है पैसे के अंदर, तो आप क्या करोगे वहाँ से पैसे ला के डीमैट अकाउंट में डालोगे और फिर ट्रेड करोगे, तो वो भी आपका जाएगा ही, लॉस ही होगा और ज़ीरो ही होगा। कम से कम 5 से 10 बार आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये लिख के ले लीजिए, पॉइंट है लिखते रहिए। और इनिशियल टाइम के अंदर आपको इतनी बड़ी कैपिटल भी नहीं लेके आनी है, जहाँ पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख आप कैपिटल लेके आते हैं वो कैपिटल भी नहीं लेके आनी है। आपको ओनली 10,000 से 20,000 और 50,000 के बीच में ही कैपिटल आनी है हर बार, और दोस्तों हर बार आपको उसी से ट्रेड करना है और उसी से सीखना है। अब क्या करता है, जब वो छोटी कैपिटल लेके आता है तो छोटा छोटा प्रॉफिट होता है उसको, और उसका माइंड सेट कहता है यार छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करता है फिर से गलती करता है और फिर से बड़ी ट्रेड मारने के लिए बड़ा पैसा लेके आता है, डालता है और वो भी लॉस कर देता है। जब तक वो 1 ईयर 2 ईयर या फिर 3 ईयर तक मार्केट में नहीं रुकेगा, कोई भी मार्केट में नहीं रुकेगा, तब तक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पाएगा।
रीज़न ये है कि वो सीख नहीं पाएगा, और सीख नहीं पाएगा क्योंकि दोस्तों जब तक वो 5 से 10 बार अपना जो अकाउंट है वो ज़ीरो नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। और ज़ीरो करना होता है और होगा वो ज़ीरो, आप नहीं करोगे वो होगा ज़ीरो ऑटोमेटिकली, बट आपको अपनी रिस्क को मैनेज करना है और आपको ज़्यादा कैपिटल के साथ नहीं आना है, और जो कैपिटल होती है उसको छोटा ही रखना है। हमेशा 50K से ऊपर बिल्कुल मत लेके जाओ। अगर 50K अगर 10 टाइम भी गया तो 5 लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर मेरे जैसे आप 10-10 लाख और 5-5 लाख लेके आओगे तो मैं 40 से 50 लाख रुपीस लॉस के अंदर था जब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला था जल्दी ग्रो करने के लिए और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा अर्न किया था। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता था उस टाइम, बट ऐसा कुछ नहीं होता था, वो पैसा सारा का सारा चला गया और दोस्तों यहाँ पर मेरे को लास्ट में लॉस ही लेना पड़ा और लॉस लेके बैठना पड़ा मेरे को। मैंने 6 मंथ ट्रेडिंग को अवॉइड कर दिया था, और आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने रिस्क मैनेज नहीं करते हैं तो आप अपने मेंटल से परेशान होगे, अपनी साइकोलॉजी ख़राब कर दोगे और यहाँ पर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोल के यहाँ से भाग जाओगे, ये चीज़ होगी आपके साथ। अब मार्केट में सर्वाइव करने वाला बंदा जो मार्केट में सर्वाइव करता है, जैसे कि वो कम कैपिटल के साथ आया और छोटा छोटा लॉस लेके कैसे न कैसे करके अपने पैसे को बचाना सीख रहा है, रिस्क को मैनेज करना सीख रहा है, मनी को मैनेज करना सीख रहा है, तो वो बंदा वहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा और इन फ्यूचर में वो धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाएगा और धीरे धीरे वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा। स्ट्रेटजी आपकी जो भी होती है उसके ऊपर आपको 100 दिन काम करना रहता है। 100 दिन अगर उसके ऊपर एग्जैक्टली काम करते हैं, यानी कि दोस्तों अंकित भाई ने जो अपना 75-day हार्ड चैलेंज दिया था वैसे ही आपको चैलेंज देना पड़ता है अपने आप को, सेम काम करना होता है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में अगर वो सेटअप बना तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज बैठे रहना है। वो सेटअप बना तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज बैठे रहना है। ऐसा आपको 100 डे करना होगा और 100 डे के अंदर फिर आपको टैली करनी होगी कि यहाँ पर मेरे को कहाँ पर लॉस हुआ, किस वजह से लॉस हुआ और कहाँ पर मेरा पैसा बना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी तभी यहाँ पर आप अच्छे ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और काफ़ी बड़ा लॉस करने के बाद क्या होगा, आप मार्केट को छोड़ने के कगार में आओगे, आपको फिर से जॉब में जाना होगा, कहीं ना कहीं आपको जाना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जब तक मार्केट में प्रो ट्रेडर नहीं बनते तब तक जॉब को स्किप नहीं करना है, जॉब को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने अपनी जॉब को छोड़ा था, मैंने सोचा था कि मार्केट से ही अब पैसे बनाएंगे और एस की ज़िंदगी जिएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जॉब भी गई थी, मार्केट में जो भी पैसा लगा था वो भी गया था, और 40 से 50 लाख रुपीज़ लॉस के अंदर भी था मैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप अपने हाथ काट के कहीं पर भी मत रखना, और वहाँ पर जो भी आपको मार्केट के अंदर सीखना है तो पहले सीखो। 1 ईयर 2 ईयर तक आप सीखोगे और अपनी साइकोलॉजी को बनाओगे कि हाँ इस सपोर्ट से, इस रेजिस्टेंस से अप डाउन या फिर अप साइड में या फिर डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है, तभी आप वहाँ पर एक ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल भी आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये सारी चीज़ें अगर नहीं फॉलो करोगे तो यहाँ पर लॉस होगा, और लॉस होगा तो इतना लॉस होगा यहाँ पर आप मैनेज नहीं कर पाओगे और समझ नहीं पाओगे कि क्या करूँ, मैं इस लॉस को बुक करूँ या फिर मैं बैठा रहूँ। कई बार मेरे को 8 से 10 लाख का लॉस हुआ है, और वो भी एक गलती की वजह से कि मैं लॉस को कट नहीं करता था और उसको होल्ड करके रखता था, बैठा रहता था, उसको देखता रहता था कि यहाँ पर मेरे को कितना लॉस हो सकता है, या फिर अजम्पशन लगा कर बैठा रहता था कि ये वापस अपसाइड में मूव करेगा या फिर वापस डाउनसाइड में मूव करेगा। ऐसे में मेरा 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख कितनी बार इतना बड़ा बड़ा लॉस हुआ, ठीक है। तो कैपिटल की कैपिटल ज़ीरो हो गई थी उस टाइम पे, और वो टाइम बहुत ही ख़राब था, और उस टाइम को वापस रिकवर करने के लिए वापस जॉब भी लगना पड़ता है, और आपको कुछ न कुछ अपनी आजीविका चलाने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा वापस, क्योंकि मार्केट से पैसा आपको नहीं देगा, जिसको ज़रूरत होती है मार्केट उसको पैसा बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। आपको अगर ज़रूरत है पैसे की तो आप मार्केट से नहीं अर्न कर सकते हैं, आप कहीं पे जॉब करेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं पर अपना काम करेंगे तभी आप मार्केट में
ट्रेड कर पाएंगे और जो आपकी जॉब से पैसा आएगा उससे आपकी आजीविका चल पाएगी। और कहीं से आपने कैपिटल ला के डाल रखा है कुछ कैपिटल, तो उस कैपिटल को ही आपको यूज़ करके मार्केट के अंदर आपको सीखना होगा। अदरवाइज मार्केट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आपको देने होंगे और तीसरे साल में आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे मूव करता है धीरे धीरे, वो भी एक साथ कुछ भी समझ में नहीं आता धीरे धीरे कि ये रेड कैंडल क्यों बनी, ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी। और यहाँ पर आप प्रेडिक्ट करने लग जाओगे, तीसरे साल में तो आप प्रेडिक्ट करने लग जाओगे कि हाँ यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर ये रेड कैंडल बनेगी और ग्रीन कैंडल के अंदर ही आप घुस जाओगे पुट के अंदर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद करता हूँ। जब ग्रीन कैंडल बन रही होती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल ही बनती है और वहाँ पर अपने प्रॉफिट लेके 9-11 हो जाते हैं। और सिंगल कैंडल के अंदर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा कि आप मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर मंथ भर की सैलरी तो मेरे को एक दिन में मिल रही है। बट टाइम देना सीखना ज़रूरी है। अगर टाइम नहीं दोगे, सीखोगे नहीं और आप गैम्बलिंग करते रहोगे, मार्केट में पैसा ला के डालते रहोगे, तो लॉस होना डेफिनेटली लाजमी है। ठीक है, तो प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको कम से कम 3 साल लगेंगे, 1 साल नहीं 2 साल आपको मार्केट को समझने में लगेंगे और तीसरे साल धीरे धीरे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और आपको समझ में आएगा कि मार्केट ऐसे वर्क करता है और ऐसे ऐसे अपने को ट्रेड करना है और इतनी अपने को रिस्क लेनी है और ऐसे मनी को मैनेजमेंट करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें देखोगे आप पास्ट में जाके, आप जब 3 साल आप मार्केट के साथ बिता दोगे और फिर पास्ट में देखोगे कि हाँ यार जो ये सर बोल रहे हैं, जो ये भाई बोल रहे हैं, जो भी मेरे को मानते हो आप वो बोल रहा है तो वो सही है। आप चाहे आपने 1 मंथ ट्रेडिंग करी है उसके साथ भी रिलेट कर दो, 1 मंथ ट्रेडिंग के साथ भी अगर रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है और इसको कैसे मैं मैनेज करूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है और अभी आप समझ गए हैं, अभी आपको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, तो अभी से आप मैनेज करना सीख जाओ ईयर के एंड तक और सेकंड ईयर के अंदर तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने लग जाओगे और अच्छा अच्छा प्रॉफिट करने लग जाओगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। और इसके बीच में आपके काफ़ी सारे चीज़ें होगी जो कि आपको डिप्रेशन में कर सकते हैं, आपकी लाइफ ख़राब कर सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं, आपको अपने घर से निकलवा सकते हैं, आपकी वाइफ जा सकते हैं, आपका पैसा नहीं रुकेगा तो आपके पास कुछ नहीं होगा। आज की दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पैसा बनाना है तो अपने मैनेजमेंट को बनाओ पहले, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट और सारा कुछ का मैनेजमेंट करो और एक ही स्ट्रेटजी को 100 डे फॉलो करो। और अगर इसको अगर 100 डे फॉलो करोगे तो 100 डे का ये चैलेंज ले लो आप यार, डेफिनेटली 1000% बोल रहा हूँ कि आप एक ट्रेडर बन जाओगे। और एक ही चीज़ को फॉलो करना है डेली के डेली, अगर वो चीज़ अगर वो ट्रेड बने तो ट्रेड लेना है, 9 बजे से पहले मार्केट में आ जाओ और 3:30 तक बैठे रहो, अगर 3:30 तक बनता है तो आप वो ट्रेड लो, अदरवाइज वो ट्रेड मत लो। ठीक है, और पेशेंस के साथ बैठना होगा आपको मार्केट में, पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंस है रुक सकते हो आप मार्केट में, ट्रेड से पहले भी पेशेंस चाहिए और ट्रेड लेने के बाद भी पेशेंस चाहिए और ट्रेड एग्जिट करने के बाद भी पेशेंस चाहिए मार्केट में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेते हैं, कोई सेटअप नहीं होता है तो ऐसे ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है, पेशेंस के साथ बैठो, सेटअप बना, सेटअप के साथ ट्रेड लो, SL कितना बन रहा है SL देखो पहले, क्योंकि मैं आज के दिन SL डिसाइड कितना कर रखा है तो ये मेरे SL के अंदर आ रहा है तो ये ट्रेड लेना है, अदरवाइज स्किप कर देना है 100 डे में से। अगर आप स्किप करोगे और आप ईमानदारी से काम करोगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, अदरवाइज आई थिंक आपको कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकता है। और ये जो जर्नी है, ये जर्नी पर्सनल मैंने फील करी है और जो भी बड़े ट्रेडर हैं, जो भी ट्रेडर बने हैं और जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो सारे लोग यही कुछ करते हैं और दोस्तों इसी तरीके से वो ट्रेडर बनते हैं, आपके साथ मेरे साथ सबके साथ हो रहा है ये चीज़ें। बट आप मैनेज करो, अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे और आपका जो कर्ज होगा सर पे वो कर्ज कर दोगे,
मैंने कर्ज किया था, मैं बता रहा हूँ 40 लाख से 50 लाख प्लस का कर्ज किया था। उस कर्ज की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में था, जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ी, सारी कुछ चीज़ें करनी पड़ी। बट यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ऐसे ऐसे लोग जो कुछ गलत काम भी कर देते हैं मार्केट की वजह से, तो ऐसा काम क्यों करना ही क्यों अपने को। अपने रिस्क को मैनेज करो, अपने सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखो, मैनेज करो। अगर मार्केट है तो एक बिजनेस है, बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। दुकान पे अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये पर्दा है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। ये 300 रुपये में लेके आए अपन, अपने को दुकानदार को 300 रुपये में पड़ा, तो वो 300 रुपये में थोड़ी बेचेगा इसको, क्या 320 350 380 300 से ऊपर ही बेचने की कोशिश करेगा। तो आप मैनेज करो ना यार, आप भी अपनी दुकान चला रहे, अपने बिजनेस चला रहे, तो उसको मैनेज करो कि कैसे मैं इसको प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ, कैसे इसको प्रॉफिट के अंदर लेके आ सकता हूँ, कैसे रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ, कैसे मेरे को मनी को मैनेज करना है, कैसे साइकोलॉजी बिल्ड कर सकता हूँ, कैसे माइंडसेट को बिल्ड कर सकता हूँ। सारे कुछ चीज़ों को मैनेज करोगे तभी आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो आपको लॉस में रहना है तो रहिएगा, क्योंकि अगर आप लॉस में रहते हैं ना तो यहाँ पर आप कुछ ना जॉब कर पाओगे, ना कुछ काम कर पाओगे, ना ही अगला कोई नई स्किल सीख पाओगे, और जिसमें आपने टाइम दिया है वो टाइम भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय रास्ते में मिलेगी। जब आप ट्रेडिंग के रास्ते में चलोगे ना, ट्रेडिंग की जर्नी होगी ना, उस रास्ते में आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। और इनको कैसे हैंडल करना है वो आपके पास तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास वो तरीका है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए आप कहीं पे जॉब करो, कैसे भी करो, पर आप किसी से उधारी लेके, अपने माथे पे कर्ज लेके वो काम मत करो। मार्केट कर्ज के पैसे से आप नहीं जीत पाओगे, ठीक है। तो कर्ज लेके मत करो और छोटा छोटा प्रॉफिट बना के अपने कैपिटल को ग्रो करो, सारी चीज़ों को मैनेज करो, उसके बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। और जो रियलिटी है वो यही है कि मार्केट में आपको पेशेंस के साथ और कम कैपिटल के साथ धीरे धीरे आपको सीखना चाहिए। और 3 साल से पहले कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कि प्रॉफिटेबल बना हो, जो कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा हो और वो प्रॉफिटेबल बना है, वो 3रे साल ही प्रॉफिटेबल बन पाता है। क्योंकि 2 साल तो उसको लगता है, आप कोई भी डिग्री करो, कुछ भी करो, आप पढ़ाई करो, कुछ भी आप तैयारी करो, RS IPS किसी भी, पुलिस कलेक्टर किसी भी तैयारी करो, उसके ऊपर भी तो टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसको भी यही समझो, ठीक है। तो ये एक तैयारी है कि हम तैयारी ही कर रहे हैं, चाहे हमको SP बनना है, कलेक्टर बनना है, थानेदार बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करो और यहाँ पर आप अपनी साइकोलॉजी, माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करके ट्रेड करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आप प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी है जो कि दोस्तों एक बिगिनर ट्रेडर से स्टार्ट करता है, एक बिगिनर ट्रेडर, और वहाँ से लेके एक प्रो ट्रेडर बनता है, तब तक बीच में ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चीज़ों से गुजर रहे होंगे, अभी उनको पता चल रहा है कि यार मैंने ये गलती नहीं की होती है तो ये नहीं होता। बट अगर ये वीडियो आपको पहले मिल जाता तो आप ये गलती नहीं करते, बट आपको ये वीडियो आज मिला है तब भी आज भी ये गलती करना बंद कर दीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये गलती सारी मत कीजिए, आप ओनली ऑन अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिक होने स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट ऑटोमेटिक आपको पैसा देगा कि नहीं तूने काम किया है ये ले पैसा तेरा, और जितना गया होगा वो उससे कई गुना वापस आपको देगा। बट अपने आप पर बिलीव करो और जो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताए वो सारी चीज़ें सही करो, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बनोगे और आपके पास एक टैग होगा कि आप एक प्रो ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और अपनी लाइफ को इंजॉय करो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। आई थिंक कोई ज़्यादा बड़ा लंबा भी नहीं है, 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो है। तो ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो डेफिनेटली आपको कुछ सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपको अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।